नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज पर आपका स्वागत है। आज 21 जून है और सोलन की मंडी में जो है वो सेब की आवक आप देख ही पा रहे हैं। सेब और नाशपाती भी जो है वो आना शुरू हो चुकी है। हालांकि मंडी की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है, इसकी वजह से इस दफा मुझे लगता है सेब के कारोबार काफी इफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि मंडी में जो है वो सीजन की शुरुआत होने लगी है और सेब सीजन की शुरुआत होने लगी है और मंडी में काम जो है अधूरा है। तो इस बार बहुत ज्यादा दिक्कतें मुझे लगता है सोलन मंडी में सेब के सीजन को लेकर खासतौर पर आने वाली है। हालांकि मार्केट कमेटी का कहना है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा, पर स्थिति को देखकर ऐसा लगता नहीं है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब जो है सोलन की मंडी में पहुंचा है और किस तरह का बाजार है, कहां का ये सेब है, सारी जानकारी हम देंगे आपको। मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये जो है कमर फ्रूट कंपनी 122 नंबर शॉप जिनकी रहती है रमेश कंवर जी, उनके पास हम पहुंचे हैं। और सेब का साइज अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप, हालांकि छोटा साइज है थोड़ा। और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेरवा से जो है माल आया है और देखते हैं पुलवाहल से, तो ये पुलवाहल और नेरवा से ये माल आया है और देखते हैं इसका प्राइस जो है वो क्या चल रहा है। और इसके अलावा नाशपाती भी आपको दिखा दें कि किस तरह का साइज और वैरायटी जो है यहाँ पर पहुँची है। जो किसान भाई लेकर आए हैं माल, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे और उनसे भी जानेंगे वहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह का सेब आ रहा है और मौसम के अनुकूल सेब जो है वो कैसा आगे चल कर आने वाला है। तो रमेश जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। नमस्कार जी। सर, आज सेब पहुंचा है, पहला लॉट आया है आज सेब का जी, तो ये कहां से आया है, कौन किसान बागवान भाई लेकर आए हैं और क्या बाजार इसका रहने वाला है? बागवान तो साथ आए नहीं, उन्होंने भेजा है जी। आज की जो मार्केट रहेगी इसकी, टाइट मैन चलेगा 800 से 1300 तक। अगर ये टाइट मैन बढ़िया लॉट है जी, टाइट मैन कौन सा? नाशपाती 1400 तक चलेगी, टाइट मैन ये सारा टाइट जी, 1300 1400 1300 1400। अच्छा, 1300 1400 तक ये वाला कुछ एक लॉट है बीच में जी, जो हल्का है वो थोड़ा हल्का रहेगा जी। थोड़ा सा वैरायटी आप बताएं कौन से वाला कितने का है वो थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है वो भी देख सकें और समझ सकें कि कौन सा सेब किस रेट पे जा रहा है। हमारा ये लॉट जो है जी, ये 1300 के आसपास, 1300 के आसपास जी, ये भी 1400 के आसपास, बाकी ये हल्के हैं 800 900, नाशपातियाँ 1300 1400, डब्बे 600 700 रुपये की मार्केट है इसकी आज जी। ये फुल बॉक्स 1300 1400 नाशपाती जी, कितने लेयर का होगा? 5 लेयर। और जो सेब आपने 1400 का बताया, ये किया कितनी लेयर है जी? ये 5 लेयर में, 6 लेयर और 5 लेयर, 6 5 प्लस 1 5 प्लस 1। अच्छा, 6 लेयर में, 6 लेयर। चलिए, साइज देखने में अभी छोटा लग रहा है कुछ इस बार, किसानों ने थोड़ा जल्दी थोड़ा कर दिया है, रुक के तोड़ते तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है जी। इस बार मार्केट कैसे रहने वाला है सेब का जी? सेब का मार्केट उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा जी, हम यही चाहते हैं कि अच्छी मार्केट रहे, किसानों का अच्छे दाम मिल जाए जी। इस बार पैदावार कैसी है ऊपर के एरिया में, क्योंकि आप तो आड़ती हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं? पैदावार काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बारिश की वजह से डिले हो गया जी, साइज अच्छा बनेगा, बारिश अच्छी हो रही है। ये जो बारिश हुई है इससे बहुत फायदा मिलेगा, फ्रूटिंग साइज किसानों के चेहरे खिल गए इस बारिश से। चलिए, ये सारी परेशानियां दूर होगी। कौन साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें, कोई साथी जुड़ना चाहता हो, कोई माल के रिगार्डिंग बात करना चाहता हो आपसे जी। मेरा नंबर है 8894511995। तो साथियों, ये इनका नंबर है और विजिटिंग कार्ड भी मैं दिखा देता हूं आपको, ताकि आपने अगर इनसे कांटेक्ट करना हो और जानना हो सेब के विषय में, या फिर कोई व्यापारी भाई हमारे काफ़ी कांटेक्ट मांगते रहते हैं हमसे कि कांटेक्ट नंबर दीजिए व्यापारी आड़ती भाइयों का, तो ये देखिए आप, कंवर फ्रूट कंपनी 121 नंबर शॉप, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सेब की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि ये अभी पहला लॉट आया है। पहला लॉट, अच्छा, इससे पहले भी आ चुका है, 5-6 दिन से चल रहा है। अच्छा जी, तो अब लगातार आना शुरू हो जाएगा या फिर जी, अभी जी बिल्कुल। चलिए, वैसे इस मंडी में कितना माल आता है जी सेब, अगर हम बात करें? साइलेंट पैक कर देना आपने थोड़ा, अभी तो कम आ रहे हैं, अब स्टार्टिंग है जी। रश पे जब रहता है सीजन यहाँ पे, तो मंडी में कितनी पेटियाँ, कितने बॉक्सेस? 30-40 हज़ार पेटी डेली बेसिस पे जी। चलिए, तो सोलन मंडी हिमाचल की बड़ी मंडी और काफ़ी अच्छा कारोबार यहाँ पर रहता है। हम सब्जियों की बात करें या फिर फ्रूट की बात करें तो काफ़ी बड़ा कारोबार यहाँ पर होता है। सोलन हिमाचल की जो है वो टॉप की मंडियों में से गिनी जाती है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हमें कंवर जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है 30 से 40 हज़ार बॉक्सेज जो है रशली सीज़न में आते हैं और काफ़ी अच्छा कारोबार यहाँ पर सेब का होता है, करोड़ों का कारोबार रहता है। APMC को भी काफ़ी अच्छा कमीशन इसमें 1% के हिसाब से जो है मिलता है और
उम्मीद करें कि जो हमने शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि सेब सीजन जो है जो शुरू होने वाला है अगले एक महीने में पूरे रश पे जो है वो यहाँ पर सीजन शुरू हो जाएगा, और एक माह के भीतर अगर ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तो सेब के कारोबारियों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बागवानों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्शन इसी तरह से रहती है तो बहुत दिक्कतें इस बार आने वाली है। तो APMC से भी यही गुजारिश रहेगी कि वो जो है इस व्यवस्था को जल्द से जल्द, इस कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की समस्या किसान बागवान भाइयों को या आढ़ती और व्यापारी भाइयों को ना आए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।